कल हम लोगों ने प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग एक क्लास में क्या है जो संशोधन चिकित्सा है यानी कि जो पंचकर्म है इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संशोधन चिकित्सा क्या होती है। ठीक, तो कभी भी संशोधन चिकित्सा में पंचकर्म नहीं शुरू कर देना है सीधे कि वमन विरेचन निरुपस्थि अनवासन वस्ति, इसे पंचकर्म कहेंगे। जब भी आपसे कभी भी संशोधन चिकित्सा पूछी जाए तो संशोधन चिकित्सा में क्या है बोलेंगे, इसमें तीन प्रकार के कर्म आते हैं, कौन कौन से, पहले आता है पूर्व कर्म, फिर आता है प्रधान कर्म और उसके बाद आता है क्या, पश्चात कर्म। ठीक है, तो इससे पहले क्या है कि दो प्रकार की जैसे चिकित्सा है, संशोधन और संशमन चिकित्सा। ठीक है, इसमें भी क्या है, संशोधन चिकित्सा जो उसको प्रधान चिकित्सा या संशमन चिकित्सा से क्या है ज़्यादा बेटर बताया गया है। क्यों, इसके लिए एक श्लोक में बताया गया है, दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने जिता संशोधन रेतु न तेषाम पुनरुद्भवा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दोष जिन्हें क्या है संशोधन के द्वारा क्या ठीक किया जाता है यानी उन्हें क्या शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन दोषों का क्या होता है शरीर में फिर दोबारा क्या प्रादुर्भाव नहीं होता यानी वो दोबारा बढ़ के क्या बीमारी कॉज नहीं कर पाते हैं। जबकि यदि दोषों का शमन किया जाए यानी जो बढ़े हुए दोष हैं, जो विकृत दोष हैं, यदि उन्हें क्या है जो शामक औषधि है वो देकर उनका शमन किया जाए तो ऐसे दोष क्या होते हैं, अगर मिथ्या आहार विहार का सेवन किया जाए पुनः तो वो क्या है बढ़ के दोबारा से क्या व्याधि कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है जो संशोधन चिकित्सा है उसको क्या है बेस्ट कहा गया है। ठीक, अगर कभी वो पूछते हैं कि संशोधन चिकित्सा क्यों इंपॉर्टेंट है या संशोधन चिकित्सा का क्या महत्व है, तो यही बताना होता है कि इसके द्वारा जिन दोषों को शरीर से बाहर एक बार निकाल दिया जाता है वो दोष फिर पुनः प्रकोपित होकर व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक, तो दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने जिता संशोधन रेतु ना तेषाम पुनरुद्भवा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं संशोधन चिकित्सा क्या होता है। संशोधन चिकित्सा इसमें तीन प्रकार के कर्म आते हैं, कौन कौन से, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म की बात करें तो इसमें क्या है दीपन पाचन औषध का सेवन होता है और आहार विहार का, इसके साथ ही साथ दूसरा जो है वो क्या है स्नेहन और तीसरा क्या है स्वेदन। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं प्रधान कर्म पे, प्रधान कर्म में क्या है पांच कर्म आते हैं जिन्हें की क्या पंचकर्म कहा जाता है। आचार्य चरक के अनुसार क्या है वमन विरेचन निरुपस्थि अनवासन वस्ति और नस्य, और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के हिसाब से क्या है वमन विरेचन बस्ति नस्य और रक्तमोक्षण। ठीक है, इसके बाद आता है क्या पश्चात कर्म, पश्चात कर्म में क्या आता है संसर्जन कर्म आता है। ठीक, संसर्जन कर्म का मतलब जो हितकर आहार विहार है उसका सेवन करना और जो दोषों के ये जो प्रधान कर्म है यानी कि वमन विरेचन आदि कर्मों के बाद क्या है भोजन का क्या एक नियम बताया गया कि किस प्रकार से भोजन लेना है उसे ही क्या कहेंगे संसर्जन कर्म कहेंगे। ठीक, तो अगर अब हम लोग प्रधान कर्म की बात करें तो दीपन पाचन हम लोग जानते हैं, दीपन क्या होता है ऐसी औषधियाँ जो क्या है केवल अग्नि को बढ़ाती हैं और अन्न का क्या है पाचन नहीं करती हैं। ठीक, और जबकि पाचन द्रव्य या औषधियाँ क्या होती हैं ऐसे द्रव्य जो क्या है अग्नि को प्रदीप्त नहीं करते लेकिन जो अन्न है या आम है उसका क्या है पाचन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है स्नेहन आता है, तो स्नेहन का मतलब क्या होता है शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं स्नेहन कहते हैं। स्नेह की योनि की बात करें तो दो होते हैं जांगम और स्थावर। स्थावर में क्या है जैसे तिल तैल आता है, तैल में अगर कभी भी कहा जाए तिल तैल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और घृत में क्या होता है गोघृत, तो स्थावर में क्या आ जाएगा तिल तैल आ जाएगा और जांगम में क्या है घृत वसा मज्जा, यानी कि जो ऐसे स्नेह जो क्या है हमें प्लांट्स से मिलते हैं और ऐसे स्नेह जो हमें क्या है एनिमल के बाई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या था इसकी योनि हो गई क्या स्थावर और जांगम हो गए। स्नेह क्या है चार प्रकार का बताया गया, कौन कौन सा घृत तैल वसा मज्जा। ठीक, इसे दोष अनुसार क्या है हम लोग जैसे कि बात के लिए क्या है तैल बेस्ट होता है, पित्त के लिए क्या होता है घृत बेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दोष अनुसार क्या घृत तैल वसा मज्जा का क्या प्रयोग करते हैं। और इसी में क्या ऋतु भी बताई गई है, कौन कौन सी SPM घृत तैल वसा मज्जा के लिए कोड है, SPM है घृत के लिए क्या होता है शरद होती है, और क्या कहते हैं घृत तैल, तैल के लिए क्या होता है प्रावृत होता है, और वसा मज्जा के लिए क्या होता है माधव। ठीक है, M से इन दोनों के लिए क्या माधव है। और स्नेहन कराने के बाद जो उष्ण जल होता मतलब इसका अनुपान क्या होता है वो है, तो एक सामान्य अनुपान क्या होता है उष्ण जल होता है, किसी भी स्नेह पान किसी भी स्नेह के सेवन के पश्चात क्या उष्ण जल अनुपान के रूप में पिलाया जाता है एक्सेप्ट भल्लातक तैल और तुव्रक तैल। क्यों, क्योंकि वो क्या है उष्णवीर है, तो अगर हम लोग उष्ण जल का सेवन कराएंगे तो वो क्या है दोषों की उत्पत्ति कर देगा और शरीर को क्या हानि पहुंचाएगा। ठीक, और इसके अलावा जो एक स्नेह के हिसाब से जो स्पेसिफिक बताए गए अनुपान वो क्या है घृत तैल वसा मज्जा उसी तरीके से, तो सबसे पहले क्या उष्ण जल है और पेया है और मंड, यानी घृत के लिए क्या होता है उष्ण जल होता है और पेया के लिए क्या तैल के लिए क्या होता है यूष होता है और वसा मज्जा के लिए क्या हो जाएगा मंड हो जाएगा, तो घृत यूष और मंड। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद आते हैं स्नेह जो है उसके जो मात्रा है उसके आधार पे भी क्या है उसके भेद किए गए हैं। तो उसके क्या है, तीन भेद हैं वैसे, कौन कौन से, एक क्या उसकी प्रधान मात्रा है, एक क्या उसकी मध्यम मात्रा है और तीसरी क्या हो जाएगी उसकी अवर मात्रा है। ठीक, तो ह्रस्व, मध्यम और उत्तम मात्रा। ठीक, तो ह्रस्व मात्रा का मतलब क्या है, ऐसी मात्रा जो क्या 6 घंटे में पच जाती है, स्नेह की वह मात्रा जो 6 घंटे में क्या जीर्ण हो जाए या पच जाए उसे क्या ह्रस्व मात्रा कहते हैं। मध्यम मात्रा क्या होती है, स्नेह की वह मात्रा जो क्या 12 घंटे में पच जाए, और उत्तम मात्रा क्या होती है जो क्या 24 घंटे में पच जाए। ठीक, और एक होती है ह्रस्वी मात्रा, यानी कि क्या है जो 6 घंटे से भी कम समय में पच जाए, और ये हम उनमें यूज़ करते हैं जिनके कोष्ठ के बारे में हमें पता ना हो कि ये मृदु कोष्ठ है या फिर क्या कहते हैं क्रूर कोष्ठ है या फिर समकोष्ठ है। ठीक है, तो तीन प्रकार के कोष्ठ होते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या ह्रस्वी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी में स्नेह की प्रविचारणाएं बताई गई, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी बताई गई है 24, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी है 24 प्रविचारणाएं हैं। ठीक, फिर स्नेहन कैसे कराएंगे, तो उसके लिए क्या है कि स्नेहन कराने से एक दिन पूर्व हमने क्या करना, ना तो बहुत ज़्यादा स्निग्ध, ना बहुत ज़्यादा रूक्ष, ना बहुत ज़्यादा अभिषंदी, यानी इस प्रकार का भोजन क्या है व्यक्ति को नहीं कराना है। ठीक, और अगले दिन फिर क्या है उसे स्नेहन कर्म कराना है। ठीक है, तो संशोधन, अगर हमें संशोधन करना है तो हम क्या करेंगे, रात का खाना जैसे पेशेंट को खिलाया और अगले दिन क्या है सुबह प्रातः काल में जब उसका अन्न क्या जीर्ण हो गया हो तो हम क्या संशोधन के लिए मध्यम मात्रा में स्नेह देंगे, यानी ऐसी मात्रा जो 12 घंटे में पच जाए। ठीक, और अगर हमें संशमन कराना है तो क्या अन्नकाल जब उसे क्या मरीज को क्या भूख लग रही होगी तो उस समय हम क्या उत्तम मात्रा में उसे स्नेह पिलाएंगे। ठीक, तो ये क्या संशोधन और संशमन के लिए स्नेहन कराने का, हमें कब संशोधन के लिए स्नेहन करना और कब क्या संशमन के लिए करना है स्नेहन। ठीक, तो इस तरीके से हम कराएंगे। अब इसके बाद आता है क्या स्वेदन, तो स्वेदन और इसी में एक चीज़ और है स्नेहन में, स्नेहन में क्या अगर जैसे वमन है, स्नेहन कराने के बाद अगर हमें वमन कराना है तो हम स्नेहन के एक दिन बाद क्या है वमन कराते हैं, और अगर विरेचन कराना है तो स्नेहन के तीसरे दिन हम क्या विरेचन कराते हैं, यानी 3 दिन बाद क्या विरेचन कराते हैं। तो अगर वमन कराना है तो स्नेहन के एक दिन बाद क्या है वमन कराते हैं, यानी आज स्नेहन कराया तो कल वमन कराएंगे, और अगर विरेचन कराना है तो स्नेहन के तीसरे दिन क्या है विरेचन कराएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं किस पे, स्वेदन पे। तो स्वेदन का क्या है, स्वेदन क्या होता है, शरीर में क्या मृदुता उत्पन्न करना और शरीर में जो जड़ता है, जो जो स्तंभनेस है, स्तंभता है, उसको क्या है खत्म करना और शरीर में क्या मृदुता उत्पन्न करना, उसे ही क्या कहते हैं स्वेदन कहते हैं। ठीक, अब स्वेदन के अगर भेद की बात करें तो इसके दो दो के क्या हैं, तीन वो बनते हैं, युग्म बनते हैं, क्या क्या, स्निग्ध और रूक्ष स्वेद होता है, एकांग और सर्वांग स्वेद होता है, और क्या होता है साग्नि और निराग्नि स्वेद होता है। ठीक, इसके अलावा आचार्य चरक जो उन्होंने 13 प्रकार का स्वेदन बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने क्या 4 प्रकार का स्वेदन बताया है। ठीक, अब स्वेदन के लिए क्या है, अगर अतियोग हो जाता है तो इसमें शीतल चिकित्सा बताई है, ग्रीष्म ऋतु चिकित्सा बताई, वो इस इतना ज़्यादा इंटरव्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं एक बार बोल दे रही हूँ कि अगर स्वेदन का अतियोग हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति का हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्वेदन कर दें तो फिर हमें उसके कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। चरक ने कहा ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन, यानी कि क्या मधुर है, शीतल है, स्निग्ध है, ऐसे पदार्थों का क्या सेवन कराएंगे, शीतल स्थान में उसे बिठाएंगे, मणि माला जो है उसे धारण करवाएंगे। ठीक, इसी तरीके से क्या है आचार्य सुश्रुत और शारंगधर ने क्या कहा शीतल उपचार, यही जो ठंडी क्रियाएं शीतल उपचार है वो करेंगे। वाग्भट ने कहा स्तंभन चिकित्सा करेंगे, यानी ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो क्या स्तंभन करते हैं, और काश्यप ने कहा विसर्प के समान चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने एक बार आप लोगों को फिर भी बता दिया है। ठीक है, अब स्वेदन के जो प्रकार की बात है तो आचार्य चरक ने क्या 13 प्रकार का स्वेदन बताया है, वो कौन कौन सा है, संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहन, जेनताक, अश्मग्न, कूर्श, कुटी, भू, कुंभी, होलाक। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने जो है वो उन्होंने 4 प्रकार का स्वेद बताया, कौन कौन सा, ताप है, ऊष्म, द्रव है और उपनाह है। ठीक, ये 4 प्रकार के स्वेद बताए हैं। इसके बाद क्या है जो साग्नि और निराग्नि स्वेद हैं, ठीक है, उनका भी वर्णन, तो ये जो थे अभी बताए 13 प्रकार के आचार्य चरक के, वो क्या है ये साग्नि स्वेद थे इनके। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या निराग्नि स्वेद का भी वर्णन किया है, तो निराग्नि स्वेद में क्या क्या है, व्यायाम है, उष्णग्रह है, भारी वस्त्र है, क्रोध है, आतप है, आहव है, भय है, भूख है, बहुमद्यपान है और उपनाह है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है जो प्रधान कर्म आते हैं उनकी शुरुआत होती है, तो प्रधान कर्म में क्या है वमन है जैसे। ठीक, तो वमन का मतलब क्या होता है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संगेकम, यानी कि ऊर्ध्व भाग से दोषों के हरण करने की क्रिया को क्या है हम लोग वमन कहते हैं। ठीक, वमन सबको पता है कफ प्रधान व्याधियों में क्या है ये, कफ प्रधान व्याधियों का क्या है मुख्य चिकित्सा है ये। ठीक, इसमें ऊर्ध्व मार्ग यानी मुख मार्ग से क्या है दोषों को शरीर के बाहर निकाला जाता है। ठीक,
फिर इसके बाद अगर वमन कर्म के लिए क्या है, जब हमें वमन कर्म करना होगा तो उसके एक दिन पहले हम रोगी को कैसा कफवर्धक, यानी कि दूध है, घी है, अनुपमास है, ठीक है, इस तरीके का कफवर्धक जो चीज़ें हैं, स्निग्ध चीज़ें हैं, तैलीय चीज़ें, इस तरीके से क्या कफवर्धक चीज़ें जो उनका सेवन कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगले दिन पूर्वाहन में जो मद जैसे जो वामक द्रव्य हैं, जैसे मदन फल है, वचा है, कुटकी है, ठीक है, निम्ब है, इन सब का प्रयोग करके क्या हम लोग उसे दोष अनुसार क्या फिर वमन कराएंगे। वमन में क्या होता है, सबसे पहले जब वमन की शुरुआत होती है तो पहले औषध निकलती है, फिर क्या कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है और फिर वात निकलता है। इसीलिए क्या पित्तांत वमन कहा गया है, यानी कि जब तक पित्त ना निकले तब तक वमन को क्या है ठीक सम्यक वमन नहीं माना जाएगा, यानी ठीक से वमन नहीं हुआ। तो पहले औषध, फिर कफ, फिर पित्त और फिर क्या है वात यानी वायु निकलती है। तो हम लोग क्या पित्तांत वमन जो है उसका देखते हैं, उसका सम्यक लक्षण होता है, ठीक। इसके बाद अगर वमन के जो शुद्धि, मतलब वमन के भेद करें शुद्धि के हिसाब से, तो ये क्या प्रवर मध्य और अवर शुद्धि होती है। इसमें क्या वेग बताएं कौन कौन से, 864 यानी 864, ठीक है। मात्रा भी बताइए, दो डेढ़ एक प्रस्त, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे अगर वो पूछते भी है शुद्धि के हिसाब से कितने प्रकार का वमन है तो आप नाम ही बता दें, वो बहुत है, प्रवर मध्य और अवर शुद्धि, ठीक है। तीन प्रकार की क्या शुद्धि होती है। और वमन की क्रिया में क्या होता है, जैसे हमने औषध द्रव का सेवन कराया उसके बाद क्या, जब हमें पसीना आने लगता है तो इसका मतलब क्या दोषों का विलयन होने लगा है, ठीक। जब क्या लोमहर्ष यानी रुएं जो है वो खड़े होने लग जाए, इसका मतलब क्या दोष जो अपने स्थान से क्या है चल दिए हैं, ठीक। जब कुक्षी में आद्यमान होने लगे, गुड़गुड़ाहट सी हो रही है, तो इसका मतलब क्या दोष क्या कुक्षी में पहुंच गए। और जब रिल्लास और आससवर्ण यानी कि क्या मुंह में लार आने लगे, नमकीन नमकीन सा लगने लगे, तो इसका मतलब क्या दोष जो है वो क्या है ऊपर की ओर यानी मुखमार्ग की ओर आने लगे हैं, और अब क्या है वो मुखमार्ग से जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। फिर वमन के लिए सबको पता है जो छह बताए गए कल्पस्थान में, क्या मदन फल जिम्मू तक इच्छवाकु धामार्गव कुटज और कृतवेधन, ठीक है, इसके योग बताए गए हैं। जैसे मदन फल के क्या 133 योग बताए गए हैं, ठीक है, 133, 39, 45, 60, 18, 60, ये क्या मदन फल जिमू तक इच्छवाकु धामार्गव कुटज कृतवेधन का ये है 133, 39, 45, 60, 18, 60, ठीक। और किसी ने उस दिन पूछा था कुछ वामक द्रव्य, तो वामक द्रव्य में क्या जैसे मदन फल यूज़ कर सकते हैं, वचा यूज़ कर सकते हैं, निम्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या है मधुयष्टि का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब क्या वमन के लिए इनका क्या दोष अनुसार हम लोग क्या प्रयोग करा सकते हैं, ठीक। फिर अब वमन के बात की बात करें तो क्या है इसका विरेचन कर्म आता है। विरेचन का मतलब क्या होता है, तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संगकम, यानी जिस प्रक्रिया में अधोभाग से, ठीक है, दोषों का क्या निर्हरण किया जाता है, यानी जिस प्रक्रिया में एनल रीजन से अधोभाग से क्या दोष जो है वो शरीर से क्या बाहर निकाले जाते हैं, उसे क्या है विरेचन कहते हैं, ठीक है। अब विरेचन की अगर बात करें तो ये क्या कोष्ठ के अनुसार ये भी तीन प्रकार का होता है, मृदु, क्रूर और सम, मध्यम, मध्यम बोले या सम बोले। तो जैसे जो मृदु कोष्ठी होते हैं उनमें क्या अरंड तेल से ही विरेचन हो जाता है, अरंड तेल दूध के साथ रात में देते हैं, ठीक है। जो मध्यम कोष्ठ वाले उनमें क्या कुटकी वगैरह जो इसको देने से क्या है विरेचन हो जाता है। और जो क्रूर कोष्ठ वाले उन्हें क्या औषध जो तीक्ष्ण मतलब औषध की क्या ज़्यादा मात्रा देनी पड़ती है, है ना, मतलब जैसे अगर किसी को 20 ml से हो रहा था तो उन्हें क्या 25 ml, 30 ml देनी पड़ जाएगी मात्रा क्रूर कोष्ठ वालों को, ठीक है। मृदु वालों को क्या सिर्फ दूध से भी विरेचन हो जाता है, दूध पी लें रात में ज़्यादा तो भी उन्हें क्या विरेचन शुरू हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद इसमें भी भैया क्या सम्यक विरेचन, हीन विरेचन और विरेचन अतियुक्त, तीन मतलब ये क्या होते हैं, अगर मतलब विरेचन किस तरीके से हुआ है तो सम्यक विरेचन हुआ है, या विरेचन जितना होना था वो नहीं हो पाया और क्या है उससे ज़्यादा अतियोग हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा विरेचन हो गया है, ठीक। ये भी इसके क्या तीन टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद विरेचन द्रव्य की अगर बात करें तो हम सब लोगों को पता है जो छह मतलब कल्प स्थान के जो छह अध्याय हैं उनमें जो बताए गए वो क्या है, श्यामा त्रिव्रत है, चतुरंगुल है, तिलवक है, स्नोही है, दंती द्रवंती है, सप्तला और संकिनी है और दंती द्रवंती है, ठीक है। तो त्रिव्रत है, चतुरंगुल है और तिलवक है, स्नोही है, सप्तला संकिनी है, दंती द्रवंती है, ठीक। और इसके जो योग हैं वो कितने कितने, 110, 12, 16, 20, 39, 48, 110, 12, 16, 20, 39, 48, ठीक। और नॉर्मली जो हम लोग विरेचन द्रव्य में यूज़ करते हैं वो क्या हरितकी चूर्ण है, जैसे त्रिफला चूर्ण है, अभिपित्तिकर चूर्ण है, ठीक है, अरंड तेल है, तो इन सब का क्या है हम लोग विरेचन द्रव्य के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, दोष अनुसार क्या है हम विरेचन द्रव्य जो है उसका प्रयोग, विरेचन औषध जो है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है बस्ती, तो बस्ती का मतलब क्या होता है, बस्ती क्या बात की क्या श्रेष्ठ चिकित्सा है, जो ज़्यादातर बीमारियाँ वो क्या है वात से होती हैं, और वात की जो श्रेष्ठ चिकित्सा उसे क्या है बस्ती कहा जाता है, ठीक है।
तो जबकि गुद मार्ग से औषध द्रव्य को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता, पकवाशय में प्रवेश कराया जाता, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या है, बस्ती कहते हैं। ठीक है, बस्ती की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, निरूह और अनुवासन बस्ती होती है। ठीक है, और एक जो मार्ग अंतर से जो एक अन्य बस्ती होती है वो क्या होती है, उत्तर बस्ती होती है। उत्तर बस्ती में क्या होता है, अपत्य मार्ग जो होता है ना, यानी गर्भाशय से, गर्भाशय के द्वारा क्या है, जो औषध द्रव्य शरीर में गर्भाशय में जब औषध द्रव्य प्रयोग कराया जाता है, अपत्य मार्ग से जो बस्ती दी जाती है, यानी वजाइना के थ्रू जो बस्ती दी जाती है और औषध द्रव्य को गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, उसे हम लोग क्या है, उत्तर बस्ती कहते हैं। ये क्या मार्ग डिफरेंस से बस्ती का भेद है। और नॉर्मली बस्ती के क्या है, दो भेद होते हैं, निरूह और अनुवासन बस्ती होता है। ठीक, निरूह बस्ती में क्या होता है, जो औषध द्रव्य है उनके क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और अनुवासन बस्ती में क्या होता है, औषध द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, निरूह में क्या है क्वाथ का प्रयोग होता है और अनुवासन में क्या होता है, औषध सिद्ध स्नेह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो उत्तर बस्ती है वो क्या है, मूत्र मार्ग या योनि मार्ग के द्वारा जो बस्ती दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बस्ती बोलते हैं। मार्ग भेद से क्या है, बस्ती दो प्रकार की हो जाएगी। ठीक, या तीन बोल सकते हैं, निरूह अनुवासन और उसके बाद क्या, उत्तर बस्ती, यानी मूत्र मार्ग से या फिर योनि मार्ग से जो बस्ती दी जाती है उसे क्या हम लोग बोलेंगे, उत्तर बस्ती बोलेंगे। ठीक है, अब आस्थापन बस्ती क्या है, जो आस्थापन बस्ती या अनुवासन बस्ती, ये क्या है, जो बात होता है उसकी क्या है, श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बस्ती के भेद की बात करें तो एक और भेद किया जाता है, क्या, काल कर्म और योग बस्ती, यानी काल बस्ती, कर्म बस्ती और योग बस्ती। तो इनके नंबर क्या क्या है, कर्म बस्ती जो है वो 30 होती है, काल बस्ती जो है वो क्या 16 होती है, और योग बस्ती कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो एक डिवीजन जो है वो क्या हो गया, आस्थापन और अनुवासन बस्ती द्रव्य भेद से हो गया, दूसरा क्या मार्ग भेद से क्या होता है, उत्तर बस्ती होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, काल कर्म और योग बस्ती हो गया। ये संख्या के बेसिस पे है। ठीक है, कि कितनी बस्तियों की संख्या क्या है, 30, 16 और 8, काल कर्म और योग बस्ती। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें कैसे बनाई जाती है बस्ती, तो सबसे पहले क्या, मधु मिलाते हैं, उसके बाद क्या है, इसमें लवण मिलाते हैं, फिर उसके बाद इसमें सैंधव मिलाते हैं, फिर उसके बाद कल्क मिलाते हैं, और फिर उसके बाद क्या, क्वाथ मिलाते हैं। ठीक है, मधु, लवण, सैंधव, कल्क, क्वाथ। ठीक है, ये क्या है, बस्ती, जो बस्ती का जो फॉर्मेशन है, बस्ती बनाने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले मधु मिलाते हैं, फिर लवण मिलाते हैं, फिर सैंधव मिलाते हैं, फिर कल्क मिलाते हैं, और फिर क्या, उसके बाद क्वाथ मिलाते हैं। ठीक है, अगर बस्ती की मात्रा की बात की जाए तो ये क्या, उत्तम, मध्यम और अवर, वही तीन मात्रा है। उत्तम में क्या है, 24 पल दी जाती है, मध्यम में क्या है, 12 पल, और अवर में क्या है, 2 पल। ठीक, तो 24, 12 और 2 पल क्या है इसकी मात्रा है। और जो अनुवासन बस्ती है वो निरूह बस्ती की क्या, 1/4 होती है उसकी मात्रा, यानी जो अनुवासन बस्ती, सॉरी, जो निरूह बस्ती की मात्रा होगी उसका 1/4 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनुवासन बस्ती की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, यानी 24, 12। जी बॉस, मैम, सैंधव की जगह जो है स्नेह होगा क्या, क्योंकि लवर तो हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं ना, मधु लवर स्नेह कल्क्वाथ होगा, मैं लग रहा क्रम जो है। हाँ, तो मैंने वही तो ना, मधु लवर, अच्छा, मैंने सैंधव बोल दिया, ठीक ठीक मधु लवर, हाँ, स्नेह होगा। जी जी, ठीक है, मैं बोलते बोलते कंफ्यूज हो गई, मधु लवर स्नेह और कल्क और क्वाथ, ये होता है मधु, जैसे कोट था ना, मल से की का, इस तरीके से, तो माँ से क्या था, मधु होता है, ला से क्या होता है, लवण होता है, और सा से क्या है, स्नेह है, और का से कल्क से क्या है, कल से कल्क है, और फिर क्या है, क्वाथ होता है। मैंने गलती से लवण और सैंधव अलग अलग बोल दिया, वो स्नेह होगा, सैंधव नहीं होगा। मधु, लवण, स्नेह, कल्क और क्वाथ, ये क्या है, बस्ती बनाने का जो, इसमें जो द्रव्य मिलाने का जो तरीका है वो ये है। ठीक, और इसकी जो मात्रा है क्या, 24, 12 और 2 पल हो गई, उत्तम, मध्यम और अवर मात्रा। और अनुवासन बस्ती की मात्रा निरूह से क्या, 1/4 कर देंगे तो क्या है, अनुवासन बस्ती की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है इसमें, जो लौटने का समय है, बस्ती का मतलब क्या है, वापस आने का समय जो है वो क्या, अनुवासन बस्ती का क्या है, 9 घंटे या 3 प्रहर बोल सकते हैं, 1 प्रहर में क्या 3 घंटे होते हैं, तो 9 घंटे है। और जो निरूह बस्ती है इसका क्या, 48 मिनट है, यानी 48 मिनट्स, यानी एक मुहूर्त भी बोला जाता है इसे। ठीक है, अब इसके बाद बस्ती में फिर कुछ नाम भी होते हैं, जैसे पिछिल बस्ती है, यापना बस्ती है, युक्तरथ बस्ती है, तो ये अलग अलग होते हैं। युक्तरथ बस्ती का मतलब क्या है कि जैसे जो रास्ते में ट्रैवल करते हुए समय भी जो बस्ती दी जा सके उसे क्या, युक्तरथ बस्ती बोलते हैं। यापना बस्ती जो होता है क्या, तो जो शरीर का यापन करे, पोषण करे, है ना, मतलब शरीर को क्या, शरीर में दोष धातुओं की स्थापना करे, उसे क्या, यापना बस्ती कहते हैं। इसी तरीके से पिछिल बस्ती जो है, जब ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, तो पिछिल द्रव्यों से निर्मित बस्ती दी जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पिछिल बस्ती बोलते हैं। इसी तरीके से ब्रंघण बस्ती होती है, तो ब्रंघण बस्ती क्या, शरीर का जो ब्रंघण करने के लिए ब्रंघण द्रव्यों का प्रयोग करके जो बस्ती दी जाती है उसे क्या बोलेंगे, ब्रंघण बस्ती बोलेंगे। ठीक है, तो
इस तरीके से क्या है, ये बस्ती के कुछ मतलब जो अलग अलग बस्तियों के नाम दे रखे हैं वो नाम है, ये बहुत ज़्यादा नाम और ये इस तरीके से वहाँ पे नहीं पूछते हैं, फिर भी मैंने आपको एक दो नाम बता दिए हैं, ठीक है, अगर इन केस कभी पूछ लें। वैसे ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली वो बस्ती क्या होता है, अगर पंचकर्म जब वो पूछते हैं कि पंचकर्म वगैरह क्या है, तब वो इस तरीके से बस्ती पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अगला क्या आता है, वो आता है नस्य कर्म। नस्य कर्म का मतलब क्या है, जब औषध द्रव्य जो है वो नासा मार्ग के द्वारा दिया जाता है तो क्या होता है उसे, बस लिख लीजिए लवण अगर आपको लिखना है। वैसे ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लवण कितना स्नेह कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे नोट करना है वो नोट कर ले। देखो औषध द्रव्य जो होते हैं, क्वाथ जो होता है वो क्या होता है, 1/5 भाग होता है, जो स्नेह होता है वो वात पित्त और कफ के हिसाब से होता है, 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग। कल्क जो होता है वो 1/5 होता है। देखो जैसे अगर मान लीजिए आपने 5 प्रसरत क्वाथ लिया है, ठीक है, आपके पास 5 प्रसरत क्वाथ है, तो आप उसमें कल्क कितना मिलाएंगे, 1 प्रसरत मिलाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं स्नेह कितना मिलाएंगे, यही 1/4, 1/6, 1/8 से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और मधु क्या होगा, 1.5, 2 और 3 प्रसरत हो जाएगा 5 के हिसाब से, ठीक है, 1.5, 2 और 3 प्रसरत हो जाएगा। और सैंधव भी क्या, वही सेम रहेगा, 1.5, 2 और 3 प्रसरत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नस्य कर्म की। तो नस्य कर्म क्या होता है, वह औषधि जो नासा मार्ग के द्वारा, ठीक है, शरीर में प्रवेश किया जाता है जिसका, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नस्य बोलते हैं, ठीक है। औषधि द्रव्य का नासा मार्ग के द्वारा सिर में प्रवेश होना क्या कहलाता है, नस्य कर्म कहलाता है, ठीक है। तो नस्य जो है, इसके आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं, कौन कौन से, नावन, अपीड, धमापन, धूम और प्रतिमर्श, ठीक है। डॉक्टर विनीता मैम जी, ठीक है, नावन, अपीड, धमापन, धूप और प्रतिमर्श, ठीक है। तो नावन क्या होता है, जब कोई औषध सिद्ध स्नेह है, ठीक है, औषध सिद्ध स्नेह को हम लोग किसी कपड़े में रख के या किसी कॉटन में भिगो के, मतलब कॉटन को उस स्नेह में भिगो के और फिर बूंद बूंद के नाक में टपकाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नावन बोलते हैं, ठीक है। अवपीड क्या होता है, जब हम लोग औषध द्रव्य का क्या, कल्क बना लेते हैं, ठीक है, यानी औषधि को क्या पीस लेते हैं, पानी मिला के क्या उसे पीस लेते हैं और उसे किसी कपड़े में रख के फिर उसे दबा के जो बूंद नाक में गिराते हैं, टपकाते हैं स्वरस उसका, ठीक है, स्वरस जो है टपकाते हैं नाक में, उसे क्या बोलते हैं, अवपीड बोलते हैं। धमापन का मतलब क्या होता है, कि जब हम लोग क्या किसी नली के थ्रू, मतलब जैसे कि कोई नली है, 6 अंगुल नली जो होती है, उसका एक एंड जो हम लोग नाक के पास रखते हैं और दूसरे एंड पे हम लोग दवा रख के और उसे फूंक मार के नाक के अंदर डालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, चूर्ण जो होता है उसे नाक के अंदर डालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, धमापन बोलते हैं, ठीक। धूम का मतलब क्या होता है, जो औषध द्रव्य है उसको हमने क्या जला दिया, तो जो धुआं निकल रहा है उसे क्या नाक के द्वारा क्या सेकना, खींचना, नाक से जब हम लोग क्या धुआं जो है वो खींचते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धूम बोलते हैं। और प्रतिमर्श क्या होता है, प्रतिमर्श का मतलब है जो स्नेह है इसमें भी क्या, इसमें अपनी उंगली का प्रयोग करते हुए क्या, उसकी 1-2 बूंद जो अपनी नाक में डालना। हम लोग जानते हैं प्रतिमर्श नस्य क्या है, पर डे दिया जा सकता है, ठीक है, ये रोज प्रयुक्त होने वाला नस्य कौन सा होता है, प्रतिमर्श नस्य होता है, ठीक। इसी तरीके से सुश्रुत जो है, उन्होंने 2 भेद बताए हैं, कौन कौन से, स्नेहन और शिरोविरेचन, ठीक। और जो आचार्य वाग्भट्ट, उन्होंने 3 भेद बताए हैं, कौन कौन से, विरेचन, रंगण और शमन नस्य बताए हैं, ठीक है। अब इसकी अगर मात्रा की बात करें, तो वैसे तो ये सबकी अलग अलग है, यानी अवपीड है उसकी क्या, अवपीड है, शिरोविरेचन बोले उसकी, उसकी क्या है, 864 मात्रा है। यही किसकी थी, वमन के वेग की भी थी, प्रवर, मध्य और अवर की 864, बस वहाँ पे क्या था वो वेग थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बिंदु, 6 बिंदु और 4 बिंदु, ठीक है। और मर्श की, वाग्भट्ट ने कितने भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं बॉस, वाग्भट्ट ने 3 भेद बताए हैं और उनके नाम है विरेचन नस्य, रंगण नस्य और शमन नस्य। डॉक्टर विरेचन नस्य, ब्रंघण नस्य और शमन नस्य, ठीक है, ये 3 भेद बताए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऋतु के अनुसार भी नस्य देने का टाइम बताया गया, जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या, पूर्वाहन यानी सुबह के समय नस्य देना चाहिए, शीत ऋतु में क्या होता है, मध्यान्ह में यानी कि दिन, मतलब शीत ऋतु में क्या, मध्यान्ह यानी दोपहर में नस्य देना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से वर्षा ऋतु में क्या है, जब जिस दिन बादल ना छाए हों आकाश में और सूर्य बाहर, सूर्य निकला हुआ हो, तब हमें क्या नस्य देना चाहिए, ठीक है। नस्य की जो मर्यादा यानी मैक्सिमम दिन तक हम लोग नस्य दे सकते हैं वो 21 डेज है,
और जो देने का क्या कहते हैं तरीका है वो मैंने बताई दिया, और जो समय है वो भी बता दिया, ठीक है, कि पूर्वाहन मध्यान्ह और वर्षा ऋतु में क्या है, जब आकाश में बादल बादल साफ हो, मतलब आकाश में बादल ना छाए हो और धूप निकली हुई हो, तो उस दिन हम लोग क्या नस्य देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, संसर्जन क्रम, समय क्या बताया, समय क्या बताया, शीत ऋतु में हम लोग मध्यान्ह में देंगे, देखो जब ग्रीष्म है तो गर्मी नहीं, मैम वो डेज बताया अभी आप, 21 डेज जिसकी मर्यादा है वो 21 डेज की है, नस्य की मर्यादा 21 डेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, जो ये क्या हो गया, पूर्व कर्म हो गया और प्रधान कर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, संसर्जन क्रम आता है, ठीक। तो संसर्जन क्रम क्यों कराया जाता है, अग्नि की वृद्धि और प्राणों की रक्षा के लिए। देखो जब क्या होता है, हम लोग पंचकर्म कराते हैं तो बस्ती को छोड़ के बाकी जो चारों कर्म हैं उस पर बॉस बस डेफिनेशन पूछेंगे ओपीडी लेवल पे, कि जैसे आप बोलते हो हम पंचकर्म नहीं कराते हैं, तो वो फिर ये पूछेंगे, ठीक है जानते तो होंगे क्या होता है पंचकर्म या संशोधन कर्म क्या होता है, तो बस आपको वही नाम बताना है और एक एक लाइन में डेफिनेशन में बस एक्सप्लेन करते जाना है। वहाँ पे बहुत डीप में वो ये भी नहीं पूछते हैं कैसे मिलाते हैं बस्ती, कैसे बनाते हैं या कितनी मात्रा देते हैं, ये कुछ नहीं, वो सिंपल सा जो उनका क्वेश्चन होता है कि क्या पंचकर्म कराते हो या वमन विरेचन कराते हो, आपने बोला नहीं हम कराते नहीं है, भेज देते हैं, तो फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जानते तो होगे क्या होता है, तो हाँ जानते हैं क्या होता है, आपको एक्सप्लेन कर देना, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ये वमन विरेचन और निरूह अनवासन बस्ती और नस्य ये क्या आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। इसके बाद वमन, फिर इतना बोलेंगे आप, फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वमन क्या होता है, अच्छा विरेचन क्या होता है या फिर बस्ती क्या होती है, नस्य क्या होता है, तो आपको जो याद आ रहा है नस्य डेफिनेशन आपको सबकी पता होनी चाहिए, अगर भेद याद आ रहे हैं तो भेद बता दीजिए, वरना डेफिनेशन भी बता दीजिए, काम हो जाएगा, वो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं फिर क्वेश्चन पूछने में, अनटिल अनलेस आप पंचकर्मा से आपने पीजी की हो या फिर वो, और या मतलब जैसे आप पंचकर्म से अगर आपने पीजी की है तो आपसे फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा अगर पंचकर्म के टीचर हैं वहाँ पे तो फिर वो आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो बिल्कुल बेसिक पूछते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये अभी मैं पढ़ा दूँ फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये कंप्लीट कर दूँ फिर आप पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद क्या आता है, संसर्जन क्रम आता है, संसर्जन क्रम क्या होता है, प्राणों की रक्षा और अग्नि की वृद्धि के लिए होता है, बस्ती को छोड़ के बाकी जो चारों कर्म है वमन विरेचन और ये क्या कहते हैं नस्य है या फिर रक्त मोक्षण है, उसमें क्या होता है अग्नि क्या मंद हो जाती है, ठीक है, अग्नि मंद होता है और क्या होता है जो शरीर की जो धातुएं हैं वो भी क्या होता है क्षीण हो जाती हैं, तो बॉडी जो है बॉडी की शक्ति क्या है क्षीण हो जाती है, तो उसे क्या पुनः अग्नि को क्या वृद्धि करने के लिए और प्राणों की क्या रक्षा करने के लिए हम लोग क्या संसर्जन क्रम का पालन करते हैं। तो संसर्जन क्रम क्या है, तीन प्रकार का होता है, ठीक है, क्या होता है प्रधान मध्य और अवर, ठीक है, तो जो प्रधान शुद्धि मध्यम शुद्धि अवर शुद्धि, मतलब जिस हिसाब से हमने क्या संशोधन किया हो, यानी हमने प्रधान संशोधन किया है तो हम लोग प्रधान संसर्जन क्रम का पालन करेंगे फिर, ठीक है, अगर हमने मध्यम संशोधन कराया था वमन विरेचन कुछ भी कराया था तो हम लोग क्या फिर मध्यम शुद्धि के हिसाब का पालन उतने अन्नकाल मानेंगे, और अगर अवर कराया था तो अवर का मानेंगे, ठीक है। तो प्रधान में क्या होता है तीन अन्नकाल होते हैं, 321 होता है, प्रधान में तीन, मध्य में दो, मध्यम में दो, और अवर में क्या होता है या हीन शुद्धि में क्या होता है एक होता है, 3-2-1 ये क्या अन्नकाल होते हैं, ठीक है, और जो दिन होते हैं वो क्या होता है 7-5-3 753 डेज होते हैं, यानी 7 दिन 5 दिन और 3 दिन ये नियम जो हम लोग पालन करते हैं, ठीक है, और जो अन्नकाल होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं 8 होते हैं और 4 होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं समझा देती हूँ कैसे होता है, जैसे कि अगर प्रधान शुद्धि है तो उसमें क्या तीन अन्नकाल है, जो हम लोग इसमें यूज करते हैं वो क्या करते हैं पेया विलेपी और यूष, यूष का दो टाइप होता है अकृतयूष और कृतयूष और मांसरस, अकृत मांसरस और कृत मांसरस, अकृत का मतलब है कि उसमें क्या बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, यूष क्या होता है दाल का जैसे सूप टाइप का बना लेते हैं जो हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या छौंका नहीं मारा है, और कृत का मतलब होता है कि उसमें छौंका मारा गया है, इसी तरीके से मांसरस है प्लेन मांसरस है और दूसरा क्या है दूसरे में हमने उसको छौंका मारा है, ठीक है, तो ये क्या अकृत और कृत यूष और अकृत और कृत मांसरस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो तरीका है देने का वो क्या होता है, अगर प्रधान है तो इसमें जैसे पहले हम लोग क्या है पहले जो तीन काल हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें अगर हीन शुद्धि है तो क्या एक हम लोग एक काल में क्या देंगे पेया देंगे, फिर नेक्स्ट काल में क्या देंगे विलेपी देंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या अकृतयूष देंगे नेक्स्ट काल में, मतलब भूख लगने पर, जैसे सुबह दोपहर और शाम तीन टाइम होता है ना भोजन, तो सुबह के टाइम हमने क्या दिया पेया दिया, फिर दोपहर के टाइम विलेपी दिया, फिर शाम के समय क्या अकृतयूष दिया, फिर नेक्स्ट डे क्या है मांसरस दिया,
तो ये क्या हीन शुद्धि के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब मध्यम शुद्धि होती है तो हम लोग क्या दो काल यानी सुबह दोपहर में क्या पेया दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है दो अन्न काल जो उसमें क्या विलेपी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक अन्न काल में क्या अकृत्युष देंगे, फिर उसके बाद क्या एक अन्न काल में कृत्युष देंगे, और नेक्स्ट में क्या एक अन्न का नेक्स्ट अन्न काल जो उसमें अकृत मांस रस और फिर क्या कृत मांस रस, ठीक। इसी ये क्या दो अन्नकाल हो गया, जैसे एक अन्नकाल दो अन्नकाल तीन अन्नकाल बोला था ना मैंने, तो हीन का मतलब क्या है कि एक एक आहार अन्नकाल में एक एक चीज दे रहे हैं, पेया विलेपी यूष और मांसरस, ठीक है। इसी तरीके से क्या है जो मध्यम शुद्धि थी उसमें क्या दो अन्नकाल थे, तो क्या है यानी दो में पेया देंगे, फिर दो में विलेपी देंगे, फिर दो में से यूष है तो एक में कृत देंगे, एक में अकृत देंगे, और दो मांसरस है तो एक में अकृत देंगे दूसरे में कृत देंगे। अब इसी तरीके से क्या होता है मध्यम शुद्धि जो होती है इसमें तीन अन्नकाल होते हैं, यानी तीन में क्या है पेया देंगे, फिर तीन में विलेपी देंगे, फिर जो तीन है उसमें यूष देना है, तो हम लोग एक में क्या है अकृत यूष देंगे और दो में क्या है कृत यूष देंगे। इसी तरीके से एक में क्या मांसरस देंगे और दो में क्या है मतलब एक में अकृत मांसरस देंगे और दो में क्या कृत मांसरस देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा सात पांच और तीन दिन तक जो है वो क्या होता है ये शुद्धि चलती है, मतलब ये संसर्जन क्रम जो है वो चलता है, ठीक है, सात पांच और तीन दिन, ठीक है। और ये संसर्जन क्रम हम क्यों कराते हैं, प्राणों की वृद्धि के लिए कराते हैं और दूसरा क्या होता है अग्नि की क्या है रक्षा के लिए कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा जो संशोधन चिकित्सा है उसके बारे में था, ठीक है। संशोधन चिकित्सा में क्या होता है तीन चीजें आते हैं, तीन कर्म आते हैं, प्रधान मध्य और अवर कर्म, सॉरी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म आते हैं। पूर्व में क्या हो गया दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, प्रधान में क्या हो गया वमन विरेचन बस्ती आस्थापन निरु और नस्य, या फिर सुश्रुत और वाचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्तमोक्षण, और पश्चात कर्म में क्या संसर्जन क्रम और क्या हितकर आहार विहार का सेवन, ठीक है।